आप अच्छी म्यूटेशंस के साथ आएं और अपना एक नाम बनाएं, जी और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप अपनी जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोग आपको जानें, आपसे खरीदें। और जी मेरे ख्याल से बड़े ब्रीडर्स को भी चाहिए कि वो छोटे ब्रीडर्स को प्रमोट करें ताकि लोगों को उनका पता चले। ठीक हो वैसे गया महंगी म्यूटेशंस पे लोग नहीं आते, जी। लेकिन यही है कि अगर आप महंगी म्यूटेशन लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके चिक्स भी महंगे ही आते फर्स्ट हैं। इन्वेस्टमेंट जी मेरी 40,000 की थी और उसमें जो है वैसे आम फिशरीज थी, ग्रीन फिशर्स थे, इतना जी आइडिया नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह मुझे काफी इसका नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता करके जो पता चलता जा रहा है, और मजीद मैं इन्फॉर्मेशन जो पता है नहीं बोला शुरू जी शुरू में तो प्राइजेस के हिसाब से हुआ था, क्योंकि कुछ बर्ड की पहचान भी होती है, तो बेहतर यही कि बर्ड की पहचान पहले आप कर लें। बर्ड क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके जो अगले बर्ड आए उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उनके पेरेंट्स जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि पेरेंट्स आपके कैसे हैं, अच्छे मदर फादर हैं कि वो आ जाते हैं, कुछ इनमें कमियां वगैरह आ जाती हैं जिससे डेड इन सेल होने का भी खतरा हो जाता है। कुछ बर्ड जी जो है वैसे ही, अलहमदुल्ला अभी तक अच्छा मेरे शेड में कोई बीमारी ऐसा नहीं है, ये ना ही मुझे कभी फेस करनी पड़ी है। वैसे लोगों का सुनते हैं कि किसी के पोक्स का प्रॉब्लम हो गया, किसी को आई इन्फेक्शन हो गया, किसी को जो है ये सोकरेज, आप तो बीमारी इनकी हो डाइट गई का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। जी। डाइट इनकी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है वो ब्रीड भी अच्छी देंगे। ठीक हो गया जितनी अच्छी डाइट नहीं होगी, आपने आमदन अच्छा तो इसमें सोचा। है, लेकिन शुरू शुरू में जो है कुछ डिफिकल्टीज हमें पेश आनी होती आती हैं, जी जैसे सेल परचेज की जो है, और कभी लोग हमें जानते नहीं है, लेकिन जी जिनको वो जी जानते हैं हम उनसे बर्ड खरीदते बिस्मिल्लाह हैं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको विजिट करवाएंगे मिसेज अहमद का लव बर्ड का सेटअप, जो माशाल्लाह से पिछले 2 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रही हैं और एक माशाल्लाह से एक सक्सेसफुल ब्रीडर हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लव बर्ड की जो फील्ड है इसमें आपने जी कैसे एंट्री की? पहले तो हमने एज ए शौक इनको रखा, लेकिन इसके बाद जो है हमें पता चला कि ये एक बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर जी हमने इनके बारे में सर्च किया, जी और फिर जैसे जैसे सर्च करते गए हमें इनका पता चलता रहा, फिर हमने इनको एज ए बिजनेस ले लिया, जी फिर हमने लव बर्ड जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए साथ साथ। ठीक हो। हमें अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बर्ड क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके जो अगले बर्ड आए उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उनके पेरेंट्स जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि पेरेंट्स आपके कैसे हैं, अच्छे मदर फादर हैं कि नहीं हैं, और उनका क्या रेशो है, सर्वाइवल रेशो क्या है, और अंडे बच्चों का रेशो क्या है, ताकि वही चीज़ें जो हैं आपके बच्चों में भी वो डिवेलप होती हैं। जी। तो आपके पास मैक्सिमम कितने एग्ज आ रहे हैं? मैक्सिमम मेरे पास 7 एग्ज आते हैं। जी, 7 एग की रेशियो माशाल्लाह से काफी अच्छी है। जी तो वो सातों के सातों फर्टाइल होते हैं या जी अनफर्टाइल भी? अल्हम्दुलिल्लाह सातों के सातों फर्टाइल होते हैं, जी। और कभी ऐसा होता है कि हमारी गफलत की वजह से बच्चे छोटे होते हैं, वो एक आधा बच्चा उनमें से मर जाता है, ठीक है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे फर्टाइल होते हैं। जी। तो इनका हैचिंग पीरियड कितने डेज का है? इनका हैचिंग पीरियड वही 21 to 28 डेज के दरमियान दरमियान में होता है, कुछ 21 डेज तक हो जाते हैं, कुछ 22 डेज में आ ठीक जाता हो है। गया। तो चिक्स जो है इनका सेल्फ कितनी देर में हो जाता है? सेल्फ तकरीबन 1 माह में हो जाता है, पहले तो मतलब हमें बहुत टाइम लगता था क्योंकि तब हम फोस्टर नहीं करते थे और कुछ चीज़ें थी जिनका हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें उनका पता चल गया है, हाँ अब हम जी अपना जो बर्ड है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो सेल्फ कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अभी ये प्रॉपर एडल्ट कितनी देर में हो जाता है और कितनी देर में ये ब्रीड स्टार्ट कर देता है? अडल्ट एज तो उसका वही 8 से 12 महीने के दरमियान दरमियान हो जाता है, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो 8 महीने में ब्रीड कर देते हैं, जी। और कुछ बर्ड होते हैं वो 10 महीने में, लेकिन जो बेस्ट जो अडल्ट रेशो है वो 10 से 12 महीने की है। ठीक हो गया। तो ये मैक्सिमम इसका जो अपना ब्रीडर पेयर होता है, हेल्दी एक जो ब्रीडर पेयर है, वो जी कितनी देर तक तक जो है ना वो ब्रीड करता रहता है? वैसे तो अगर आप इनके बारे में जाने तो तब उस हिसाब से तो ये तकरीबन 10 साल तक इनकी होती है कि ये 10 साल तक अच्छी ब्रीड कर सकते हैं, जी। और उसके बाद आपको पता है कि मोर्टेलिटी भी इशू आ जाते हैं, कुछ इनमें कमियां वगैरह आ जाती हैं जिससे डेड इन सेल होने का भी खतरा हो जाता है, कुछ बर्ड जी। जो है वैसे ही वीक हो जाते हैं, एग रेशो कम हो जाती है। सही है। तो बाद का ये लोगों से मैंने ये भी सुना है कि वो जो है ना ये बर्ड जो होते हैं वो रात को अच्छे भले होते हैं तो दिन को वो ना अचानक जब आते हैं तो वो उनकी डेथ वगैरह हुई होती है, तो ये क्या इशू है? आपने भी कभी इस तरह का मामला फेस किया है या जी इसलिए मैंने आप? इस सीजन फेस किया, लेकिन अभी तक उनका जो है वो सही पता नहीं चल सका उसकी वजह क्या है, क्योंकि जी। कोई ना उन पे कोई बीमारी है ना कुछ भी ऐसा
कुछ पता नहीं चलता, वरना कोई बीमारी हो तो पता चलता है, कोई चिकन पॉक्स है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, पॉक्स वगैरह उनको निकले हुए हैं जी जी, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी एक आधे क्लच में एक आधा बर्ड मर ही जाते हैं। हाँ जी, तो आपने वैसे कितनी बीमारियां फेस की है, कौन कौन सी इसमें ज्यादातर बीमारी आती है और आपने उसको कैसे कंट्रोल किया है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे शेड में कोई बीमारी ऐसा नहीं आई है, ना ही मुझे कभी फेस करनी पड़ी है। वैसे लोगों का सुनते हैं कि किसी के पॉक्स का प्रॉब्लम हो गया, किसी को आई इन्फेक्शन हो गया, किसी को जो है सोकड़े की बीमारी हो गई जी जी, बर्ड्स को ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई ऐसी बीमारी फेस नहीं करनी पड़ी। तो आप अपने केटल की जो प्लेट्स वगैरह हैं इनकी सफाई और बर्तनों की सफाई कितने दिन बाद करते हैं? जो बर्तन वगैरह हैं वो तो तकरीबन जो सॉफ्ट फूड के हैं वो डेली तकरीबन वॉश होते हैं और डेली इनको देते हैं सॉफ्ट फूड, और जो बाकी हैं वो तकरीबन दो दिन बाद, तीन दिन बाद या वीक में दो से तीन बार हम इनको चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह से इसीलिए आपका मसला नहीं आता मोर्टेलिटी वगैरह का और डेयरी शेल का, और जो बाद में बाद का मसला होता है कि उनको जो इनफर्टिलिटी का भी इशू आ जाता है, वो अंडे गंदे हो जाते हैं ज्यादातर, मेरे ख्याल में उनमें ऑक्सीजन का भी इशू हो सकता है। ऑक्सीजन का भी इशू, जैसे कि एक मतलब बॉक्स में एक आपको ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है जी जी, तो फिर हमें उनको भी मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिफायर हम इसीलिए ऑन करते हैं ताकि उनको बॉक्स में भी जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना हो। सही बात है। जो आप अपने ये बॉक्स वगैरह लगाती हैं, तो बॉक्स लगाने में आप क्या एहतियात करती हैं इसमें? बॉक्स लगाने से पहले हम जो है कूपेक्स पाउडर वगैरह लगा दें ताकि कोई माइट्स वगैरह ना हो, कोई कीड़े वगैरह अंदर ना बन गए हों जी जी। फिर हम उनको जब ये क्लच दे देते हैं फिर उसके बाद हम चेंज कर देते हैं ठीक हो गया, ताकि अगर उनमें भी कोई गंदगी की वजह से कुछ चीजें माइट्स वगैरह आ गई हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। तो आप अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग वगैरह करवाती हैं या नहीं करवाती? करवाती हूँ सीजन ऑफ सीजन में एक टाइम और जब सीजन ऑन होता है उससे पहले एक टाइम। ठीक हो गया। तो अच्छा, हमें ना अच्छी ब्रीड लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छी ब्रीड लेने के लिए आपको इनकी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए जी जी। डाइट इनकी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है वो ब्रीड भी अच्छी देंगे। ठीक हो गया। जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी आपकी ब्रीड आएगी। आपका इन सीजन और आउट ऑफ सीजन जो आप इनको सॉफ्ट फूड यूज करवाती है उसमें क्या फर्क होता है, कौन सा देती है? सॉफ्ट फूड मेरा सेम ही रहता है, उनमें से कुछ चीजें जो है मैं वो स्किप कर देती हूँ कि जो कि सर्दियों की वजह से उनको गर्म करने के लिए दी जाती जी है जी। और गर्मियों में वो ऐड कर देती हूँ जिनसे बर्ड को ठंडा रखा जाता है ताकि इनको गर्मी वगैरह का एहसास ना हो और ठंडे रहें बर्ड्स। तो हमें क्या इनको अपना जो है विटामिन वगैरह और मिनरल वगैरह देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जी बिल्कुल देने चाहिए, जैसे हम लोगों को भी जो है जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं उसके अलावा भी हमें विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है जी जी। हम उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ विटामिन वगैरह लेते रहते हैं ठीक हो गया, ताकि हमें किसी चीज की कमी ना हो। इसी तरह इनका भी यही हिसाब है, इनको भी हम जो है विटामिन देते रहते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते हैं जी जी। और जब हमें लगता है कि इनको किसी चीज की कमी हो रही है फिर हम इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि इनकी कमी जो है वो पूरी हो जाए जी जी। तो जो न्यू फैंसियर इस फील्ड में आना चाहे तो वो कौन सा बर्ड लगाए और उसे कौन सा बर्ड लगाना चाहिए जिससे उसकी अर्निंग जो है ना वो जल्द स्टार्ट हो जाए? अर्निंग के लिहाज से तो मैं यही कहूंगी कि शुरू में वैसे मैं महंगी म्यूटेशन पे लोग नहीं आते जी जी, लेकिन यही है कि अगर आप महंगी म्यूटेशन लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके चिक्स भी महंगे ही आते हैं जी जी। तो वो उससे ये है कि आप अच्छे कम टाइम में ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं जी जी। और अगर आप सस्ता पेड़ लगाते हैं तो सस्ते पेड़ से वही आपको सस्ते मतलब कुछ चिप्स निकलते हैं आगे से जी जी, तो उसमें जरा आपका टाइम जो है वो ज्यादा ले जाते हैं। न्यू फैंसियर होता है उसको ना परचेजिंग में भी बड़ा इशू होता है, उसे पता नहीं होता कौन सा बर्ड अच्छा है कौन सा नहीं है, तो उसे अच्छा बर्ड परचेज करने के लिए क्या ब्रीडर के पास जाना चाहिए कि शॉपकीपर के पास जाना चाहिए? शॉपकीपर के पास तो मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग जाएं, क्योंकि शॉप वाले जो होते हैं अक्सर बर्ड में बीमारियां उनकी ज्यादा होती हैं क्योंकि उन्होंने बर्ड के साथ साथ और भी मुर्गियां वगैरह और बाकी चीजें भी रखी होती हैं जिनकी वजह से वो सबका जो ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती है वो आपस में मिल रही होती है, जिसकी वजह से जो उनकी बीमारियां वो भी प्रमोट हो जाती हैं तोतों में हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मरने के चांसेस होते हैं। फिर जब हम अपने शेड में उसको लेके आते हैं जी जी, तो फिर हमारे शेड भी तबाह हो सकता है क्योंकि उनमें कोई बीमारी कोई ना कोई बीमारी लाजमी होती है जी जी। और वो जब हमारे शेड में आएगा तो हमारा पूरा शेड तबाह कर सकता है, कोई बीमारी एक बीमारी आती है तो फिर हमारा पूरा शेड बर्बाद हो जाएगा। आप क्या इस फील्ड में कोई मेंटोर है? जी अच्छा। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया अब्दुल वहाब हैं, उनसे हाँ मैं जो है पूछती रहती हूँ कोई भी मुझे मसला आता है जी जी, कोई भी ऐसा मसला हो, क्योंकि मैं भी नया नया करना शुरू किया तो इतना मुझे भी अभी नॉलेज नहीं है जितना उनको है, ठीक है। तो मैं उनसे पूछती वगैरह रहती हूँ कुछ ऐसा मसला हो भी जाए तो जी। तो जो न्यू बंदा इस फील्ड में आ रहा है उसको बर्ड कीपिंग सीख के आए या वैसे भी वो कर सकता है, या इसमें आप जरा हमारे व्यूज को बताएं? बिल्कुल, बर्ड कीपिंग सीख के आए तो ज्यादा बेस्ट है, वैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप सीख के आए तो ज्यादा बेटर है ताकि कोई भी बंदा
आपको धोखा ना दे, कोई अक्सर लोग चूना लगा जाते हैं, वो जैसे आपने कहा था, तो वो ना लगे आप लोगों को। सही बात है, चूना तो मेरे ख्याल में 90% लोगों को लगता ही है, इस फील्ड में जादू भी आता है। अच्छा, आखिर में हमारे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो क्या काम करें कि वो सक्सेस हो इस फील्ड में? आप अच्छी म्यूटेशंस के साथ आएं और अपना एक नाम बनाएं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप अपनी जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोग आपको जानें, आपसे खरीदें। और मेरे ख्याल से बड़े ब्रीडर्स को भी चाहिए कि वो छोटे ब्रीडर्स को प्रमोट करें ताकि लोगों को उनका पता चले। ठीक हो गया। अगर कोई आपसे बर्ड अपना परचेज करने के लिए वो रابطہ करे या इंफॉर्मेशन के लिए रابطہ करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वो दे सकते हैं, लेकिन कॉल्स मैं अटेंड नहीं करती, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज वगैरह कर देते, मैं उनको आंसर कर देती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो, और आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप ही आए हमारे लिए टाइम निकाला आपने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान, अस्सलाम वालेकुम।